हाँ जी, एक गाना है हमारी पिक्चर में, शेक इट लाइक शम्मी. एग्जैक्टली उनका उनके लिए ट्रिब्यूट नहीं है, एक लिरिकल यूज़ किया है हमने कि किस तरह शम्मी कपूर जी लड़कियों को यू नो चार्म करते थे अपने एक शेक मूव से. तो वैसी ही सिचुएशन है गाने में, इस पिक्चर में, कैसे कि मैं एक लड़की को इम्प्रेस करता हूँ ट्राइंग टू शेक इट लाइक शम्मी. और आज वो लॉन्च हो रहा है इस शो पे, तो होपफुली आपको मजा भी आएगा, थोड़ा बहुत शेक करेंगे लाइक शम्मी. नहीं, वही आई मीन हम चाहते थे कि सिर्फ थोड़ा सा शम्मी जी की तरह डांस करे एंड अपना डांसिंग टैलेंट दिखाए. तो हमारी पिक्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना है शेक इट लाइक शम्मी, जो थोड़ा रेट्रो रॉक एंड रोल काइंड ऑफ गाना है. और मेरा लड़का इतना, मतलब जो लड़का आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट सो कूल, तो समझता है कि वो कूल डांस कर रहा है, पर इतना नहीं है. Nice, interesting boy dancing number. Since ये dance show है, हमें लगा it's the perfect platform to launch our song. तो हम लोग आज उसको launch कर रहे हैं. Very good यार. Actually, when we were making the film, we had only 2 or 3 songs. बाकी album जो love songs वगैरह हैं, वो उसके बाद बने. And I was also very curious कि कैसे गाने बनेंगे, कैसा होगा, and how will it look in the film. लेकिन दे आर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल एंड जेन्युइनली, नॉट बिकॉज दे आर सॉन्ग्स, जेन्युइनली सारे गाने इतने इतने अमेजिंग है, मैं रोज उनको लूप पे सुन रही होती हूँ. दे ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, सो वी आर हैप्पी. आई थिंक या ग्रेट, सेम. आई थिंक द लव सॉन्ग्स हमने सुने नहीं थे सेट पे, बिकॉज सारे बैकग्राउंड सॉन्ग है. बट जो डांसिंग नंबर, ऑफकोर्स हमने उन पर डांस किया है, बहुत रिहर्स किया है. तो सारे डांसिंग नंबर्स बहुत कैची हैं, थोड़े अलग अलग हैं. तो सो फार आई थिंक वी गॉट अ गुड रिस्पॉन्स, एंड होपफुली वंस यू सी द फिल्म, उनको बैकग्राउंड गाने भी पसंद आएंगे जो पिक्चराइजेशन है उसमें. My personal favorite would be Punjabi Wedding first, I think, and then Shake It Like Shammi, and then Drama Queen. I think because both of them have come in the film, had a lot of moments. Drama Queen is sadly has lesser moments about the film. So yeah. Yeah. No, not at all. It's a love story. तो उसमें आई डोंट थिंक कोई भी लड़का या लड़की कोई ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो वर्क नहीं करेगी लव स्टोरी. हम दोनों के इक्वली स्ट्रांग रोल्स हैं, इसलिए हम लोग पिक्चर में हैं. लेकिन आप देखेंगे कि ये लड़की लड़के से बहुत अलग है, लड़का बहुत अलग है, इसलिए हम दोनों की केमिस्ट्री इतनी करेक्ट बैठेगी इन द फिल्म, एंड यू विल वॉन्ट देम टू बी टुगेदर. वेल ऑफकोर्स हर किसी की कोशिश होती है कि हर पिक्चर अलग अलग हो. इस पिक्चर में SOTY की झलक नहीं दिखेगी आपको. एक तो हम स्कूल कॉलेज में नहीं है, हम दोनों अपनी उम्र की प्ले कर रहे हैं, और ये कैरेक्टर दोनों टेढ़े हैं. ये लड़का भी टिपिकल हीरो नहीं है, ये लड़की भी टिपिकल हीरोइन नहीं है. तो ऑफ कोर्स अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बाद एक और पिक्चर है विलन, विच इज़ टोटली डिफरेंट, विच इज़ स्लाइटली इंटेंस एंड डार्क. तो या आई थिंक वी आर ऑल ट्राइंग टू डिफरेंट स्टफ एंड होपफुली